लिखें एग्जांपल इसमें, इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट 16 बाय 1 मार्क्स यूजिंग यूजिंग 2 बाय 1 मार्क्स। चलो जरा इंप्लीमेंट करके बताओ इसको। तो 16 इनपुट्स की जरूरत है, यानी कि हमें कितने कनेक्ट करने होंगे, 16 by 2, यानी कि हमें पहले लेवल पे कनेक्ट करने होंगे 8 2 by 1 मक्स को। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई हमको। अब 8 2 by 1 मक्स हमने जो कनेक्ट किए हैं उनके आउटपुट्स कितने बचेंगे, कितने आउटपुट बनेंगे दोस्तों, ध्यान दो सब लोग। तो 8 2 by 1 मक्स के आउटपुट बनेंगे 8, तो उनके लिए अगर हम कनेक्ट करते हैं 2 by 1 तो हमें कनेक्ट करने होंगे 4। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने बोला कि 16 by 1 मक्स में 16 इनपुट्स हैं, उनके लिए पहले लेवल पर हमें कनेक्ट करने होंगे 8 2 by 1 मक्स, जिससे ऑल 16 आउटपुट्स इनपुट्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास जो नेट नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं वो है 4 यहां पर। अब 4 के लिए 4 by 2 अगर हम करते हैं तो हमें 2 2 by 1 मक्स ये होंगे, देन हम करेंगे 2 by 2 दैट मेक्स 1, यानी कि अल्टीमेटली वी हैव रिक्वायर्ड 8 + 4 + 2 + 1, कितना हो गया 15, यानी कि 15 2 by 1 मक्स आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 16 by 1 मक्स। इसके साथ साथ एक पैटर्न भी आपको समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए, क्या पैटर्न बन रहा है। अब मान लीजिए मैं इसी में एक और एग्जांपल एसोसिएट कर लूं, देन आप इजीली उस पैटर्न को समझ पाएंगे। 32 by 1 by mux using using क्या using 2 by 1 mux। चलो इंप्लीमेंट करके देखो, स्क्रीन को रोको अभी के अभी और आंसर दो फटाफट। आ गया होगा सभी का आंसर, सब लोगों को ट्राई जरूर करना है, ऐसे आप सुनते रहेंगे तो उससे सारी चीजें सॉल्व नहीं होगी। आप जब तक पेन पेपर लेके बैठेंगे और क्लियरली सारी चीजों को सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और जहां लिखने की जरूरत है वहां लिखेंगे भी, सो दैट्स मेक यू मोर क्लियर। ओके, 16 by 2 कितना हो जाएगा 8, ओके 8 by 2 कितना हो जाएगा अब 4, 4 by 2 हो जाएगा 2 एंड 2 by 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी कि पहले लेवल पर हमको कनेक्ट करने चाहिए 16 2 by 1 मक्स। अब यहां पर सर्किट मैं नहीं बना रहा, स्ट्रक्चर दैट बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स वन, तो कॉम्प्लेक्स तो कुछ नहीं है, थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाइंग है, जरूरत नहीं है, समझ में आ चुका है। 16 पहले लेवल पर कनेक्ट करेंगे, उन 16 के 16 आउटपुट जनरेट होंगे, उन 16 आउटपुट्स को हैंडल करने के लिए 8 2 by 1 मक्स हम दूसरे लेवल पर कनेक्ट करेंगे, जिनके 8 आउटपुट जनरेट होंगे, और उन 8 आउटपुट्स को हैंडल करने के लिए हम कनेक्ट करेंगे 4 2 by 1 मक्स को, जिससे कि जिनके 4 आउटपुट जनरेट होंगे उन 4 के लिए आप कनेक्ट करेंगे 2 को, जिसने 2 आउटपुट जनरेट होंगे उस 2 के लिए कनेक्ट करेंगे 1 को। यानी कि टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल आएगा 16 + 8 + 4 + 2 + 1, कितना हो जाएगा 31। अब एक पैटर्न मुझे दिखना शुरू हो गया है, क्या आपको भी एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ इसके अंदर? इससे पहले वाली स्लाइड पर अगर मैं जाता हूं तो 8 by 1 मक्स को मनाना है लेकिन 7 चाहिए, क्लियर है। 16 by 1 को मनाना है 15 रिक्वायर्ड है, 32 by 1 को मनाना है 31 रिक्वायर्ड है। सो कैन आई फॉर्म अ नोट पॉइंट हियर, क्या नोट बना सकता हूं मैं, लिखिए नोट, राइट अ नोट हियर, टू इंप्लीमेंट, लिख लें टू इंप्लीमेंट 2 to the power n by 1 mux using 2 by 1 mux using 2 by 1 mux 2 to the power n - 1 2 by 1 mux required। टू टू द पावर एन माइनस वन 2 by 1 मक्स रिक्वायर्ड इसमें होंगे, क्लियर है इतना? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा और इसी डिस्कशन को जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि दिस टाइम इंप्लीमेंट 64 by 1 मक्स यूजिंग 8 by 1 मक्स। 64 by 1 मक्स को इंप्लीमेंट करके बताएं यूजिंग 8 by 1 मक्स। तो 64 by 1 मक्स को हमें इंप्लीमेंट करना है, देन ऑब्वियसली यहां पर अगर हमें रिक्वायर्ड होंगे
64 इनपुट्स, उनके लिए हमें कनेक्ट करने होंगे कितने 8 8x1 मक्स को पहले लेवल पर। ओके, अब उनके जो आउटपुट्स आएंगे वो 8 आएंगे, तो 8x8 दैट बिकम्स 1, यानी कि 8+1 8x1 मक्स रिक्वायर्ड for the implementation of 64x1 mux. Okay, चलिए कुछ और examples मैं करा देता हूं, इसमें लिख लें। Next, implement 64x1 mux using, first लिख लें 4x1 mux, सेकेंड लिखें 16x1 मक्स। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। 64x1 को हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 4x1, तो 64x4 यानी कि पहले लेवल पर कनेक्ट करने होंगे 16 4x1 मक्स को, जिससे 64 के 64 इनपुट हैंडल हो जाएंगे। अब उन 16 के आउटपुट कितने हैं 16, तो उसके लिए हम कनेक्ट करेंगे 16x4 यानी कि 4 4 4x1 मक्स को, और उनके 4 आउटपुट होंगे, तो 4x4 इज 1, यानी कि आंसर आएगा 16+4+1, सो दैट मेक्स 21। क्लियर है इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इंप्लीमेंट करना है 16x1 से, तो ऑब्वियसली 64x16 किया आपने, कितने रिक्वायर्ड होंगे जल्दी से बोलो, 64x16 यानी कि 4। अब ये तो परेशानी हो गई, यहां पर आउटपुट कितने जनरेट हो रहे हैं, 4 आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट 16x1 मक्स है उसमें तो 16 इनपुट्स अवेलेबल है, तो अब क्या करना होगा, लेकिन हमें अल्टीमेटली आउटपुट पर कितने वैल्यूज चाहिए, एक ही चाहिए, तो हमें क्या करना होगा 4x16 यहां पर करना होगा, जिसका सॉल्यूशन आएगा 1। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज अगर आपको कर रही है, समझिए ध्यान से मेरी बात। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें 64x1 मक्स को इंप्लीमेंट करना है, मेरी बात ध्यान सुनना आप, और हमारे पास 16x1 मक्स अवेलेबल है। 16x1 मक्स का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 16 इनपुट्स को हैंडल करने वाला मक्स अवेलेबल है। अब आपने ऐसे 4 मक्स को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, 4 कनेक्ट किया, तो वो 16 इनपुट्स एक में आएंगे, 16 दूसरे में आएंगे, 16 तीसरे में आएंगे, 16 फोर्थ में आएंगे, तो इन चारों के आउटपुट कितने आएंगे, 4 आउटपुट्स आएंगे। ओके, 4 आउटपुट्स आ गए, लेकिन हमको 64x1 में 4 आउटपुट की जरूरत है नहीं, तो हमें अब क्या करना होगा, उसे एक ही 16x1 मक्स पर भेज देना होगा, और जो कंट्रोल सिग्नल है उसको हम क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे। ये आगे चल के मैं चीज सिखाऊंगा आपको कि जैसे मोर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर आपके पास नहीं है और आपको कम नंबर ऑफ इनपुट्स को यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल यानी कि जो सेलेक्ट लाइन है उसमें कुछ वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, यहां पर जैसे मान लीजिए हम लिखा S3 S2 S1 S0, अब इसमें आपको मालूम है कि 16 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कहां से, 4x0 से लेके 4x1 तक। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, मैं आपसे बोलूं कि ये S3 को मैंने 0 फिक्स कर दिया, S2 को मैंने 0 फिक्स कर दिया, तो अब सिर्फ क्या चेंज होगा, S1 S0 चेंज होगा, तो जिनमें क्या बन सकता है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी रह गई, अब सेलेक्ट लाइन के अंदर 4 पॉसिबिलिटी रह गई, 4 पॉसिबिलिटीज 4 इनपुट्स के लिए सफिशिएंट है। समझ पा रहे हैं? तो कंट्रोल सिग्नल को हम क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, यानी सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं, कुछ सेलेक्ट लाइन को, जैसे इसमें आपने S3 को 0 पर फिक्स कर दिया, S2 को 0 पर फिक्स कर दिया, अब क्या होगा, S1 S0 चेंज होंगे, तो या तो दोनों 0 0 हो सकते हैं, या दोनों 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं। सिंपल, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, तो यहां पर हमें रिक्वायर्ड होंगे कितने 4+1 यानी कि 5 16x1 मक्स। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बोल सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि 4 यानी कि 4 16x1 मक्स लगा लें। ओके, 4 कितने लगा लें, 16x1 मक्स लगा लें, और क्या लगाएं, प्लस 1
फोर बाय वन मार्क्स, इससे भी तो बढ़िया से बन जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कि कंट्रोल सिग्नल को फिक्स करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि हमारे पास 16x1 mux आ गए हैं, ओके, और 16x1 mux को चारों को हमने कनेक्ट किया तो फोर डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट हुए, उन फोर डिफरेंट आउटपुट्स को मैं एक 4x1 mux पे भेज दूंगा, कहानी खत्म, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखे एग्जाम्पल एक दो और, इंप्लीमेंट 256x1 mux यूजिंग, फर्स्ट लिखें 16x1 mux, सेकेंड लिखें 8x1 mux। चलिए इंप्लीमेंट करते हैं, 256x1 mux को इंप्लीमेंट करना है हमको, तो 256 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 16। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुना है, 256 बाय 16 कितना आएगा, 16 टाइम्स, यानी कि पहले लेवल पर आपको कनेक्ट करना है 16x1 mux को, 16x1 mux हम कनेक्ट कर देंगे, तो 16x16 दैट बिकम्स 1, यानी कि 17x16x1 mux रिक्वायर्ड होंगे, रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट 256x1 mux। इतनी बात समझ में आ गई हमको। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब आपको मान लीजिए 8x1 mux का यूज करके बनाना है, तो ऑब्वियसली वही तरीका हम जो फॉलो करते आ रहे हैं, 256 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आएगा, डिवाइड करो 32 आएगा, ओके एक्सीलेंट, 32x8 अब हम करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां से फिर से कहानी में वही ट्विस्ट आ गया, तो 4x8 इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि 32 + 4 + 1, यानी कि हमको रिक्वायर्ड है इसमें 37x1 mux। आप चाहें तो अब देखिए इसमें जो लास्ट वाला है ना उसमें चार आउटपुट्स हैं और मैंने उसे कनेक्ट किया है किससे, एक 8x1 mux से, तो ऑब्वियस है कि हम चाहें तो वहां पर 8x1 mux की जगह पर एक 4x1 mux को भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है, मतलब आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि 36 आप यूज कर लो 8x1 mux, मेरी बात समझ में आ रही सबको, और 1 यूज कर लें 4x1 mux, दैट्स अ बेटर वे टू हैंडल, क्लियर है, ये भी सही है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 8x1 mux से ही बनाओ आप, तो ऑब्वियसली 37 इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी कंफ्यूजन, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए आपसे बोला है कि हमको 8x1 mux भी दे दी जाए, 4x1 mux भी दे दी जाए, तो क्या सुटेबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं 36 ये ले लो, 1 एक ले लो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये हमने डिस्कस किया अभी टाइप 1 क्वेश्चन जो कि इसमें फ्रेम हो सकता है, अब मैं बात कर रहा हूं टाइप 2 क्वेश्चन कि मक्स कैसे एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट की तरह काम कर सकता है। तो पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा किस तरह से हम सारे लॉजिक गेट्स जो हमने पढ़े हुए हैं, नॉट एंड और नैंड नॉर एक्सोर एक्सनॉर, इन सभी को हम मक्स का यूज करके किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन मक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्लियर सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं पहले, अब सेकंड हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो है मक्स एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, मक्स एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट की तरह कैसे मक्स वर्क कर सकता है। तो मैं यहां पर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर नॉट गेट एंड गेट और गेट नैंड नॉर एक्सोर एक्सनॉर इन सबको मक्स से इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले हम यहां पर यूज कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट लिखना चाहे तो 2x1 mux एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, किस तरह से हम एक 2x1 mux को एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स से तो इसमें फर्स्ट वन मान लीजिए आपको नॉट गेट इंप्लीमेंट करना है, नॉट गेट अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो नॉट गेट में ऑब्वियसली आपको मालूम है जो ट्रुथ टेबल है वो ये है, ए वाई में रिलेशन, अगर ए जीरो है तो वाई वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब हमें दे दिया गया है एक 2x1 mux, दिस इज 2x1 mux, सो 2x1 mux में
आपको मालूम है कितने सेलेक्ट लाइन है? एक सेलेक्ट लाइन है, ओके। और इनपुट कितने हैं? दो इनपुट हैं, एक्सीलेंट। दो इनपुट हैं आई नॉट एंड आई वन। गाइस ध्यान में, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बट मैं चाहता हूं कि आप कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। अब हमें सेलेक्ट लाइन की वैल्यू कितनी मिल सकती है? एक मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं यानी कि जो चेंज हो रहे हैं उनको हमें पुट करना है सेलेक्ट लाइन के साथ, क्योंकि सेलेक्ट लाइन इज अ थिंग दैट हैज टू बी चेंज, और वो जो चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली इनपुट आउटपुट पर फॉरवर्ड होते जाएंगे। तो आउटपुट का कोई रोल नहीं, आउटपुट पर क्या आएगा? जो इनपुट पर है वही आउटपुट पर पहुंच जाएगा, लेकिन आउटपुट पर कौन सा इनपुट पहुंचेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कंट्रोल सिग्नल या सेलेक्ट लाइन। तो कोशिश ये करना है हमेशा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब कहां चले जाएं? सेलेक्ट लाइन पर चले जाएं। तो यहां पर एक ही वेरिएबल है तो ए वेरिएबल कहां चला जाएगा? सेलेक्ट लाइन पर। ओके, सो जब ए की वैल्यू जीरो होगी, जीरो होगी ए की वैल्यू, तो यहां पर कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा? ये हम बात कर चुके हैं 2x1 मार्क्स में, याद होगा सभी को। कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा? आई नॉट सेलेक्ट होगा। ओके, अब आई नॉट पर मुझे क्या रखना चाहिए? मुझे रखना चाहिए 1, क्योंकि मैं चाहता हूं ए इक्वल टू जीरो पर आउटपुट पर पहुंचे 1। ए इक्वल टू जीरो पर क्या पहुंचे? 1 पहुंचे, क्योंकि ए जीरो जब होगा तो मक्स के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि आई नॉट सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब हमने लिखा ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1 पर हम क्या भेजना चाहते हैं आउटपुट पर? 0। लेकिन ए इक्वल टू 1 पर कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा? आई 1, तो इस पर रख देंगे 0। तो यह बन गया नॉट गेट बाय यूजिंग 2x1 मक्स। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड गेट के इंप्लीमेंटेशन की। अगर हमें एंड गेट को इंप्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली एंड गेट में आपको एक चीज मालूम है कि वी आर हैविंग टू इनपुट वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा, तीन का भी होता है, चार का भी होता है। अगर हम यहां पर थ्री इनपुट एंड गेट और टू इनपुट एंड गेट की बात करें तो दो इनपुट हैं 00, 01, 10, 11। ओके, दो इनपुट्स हैं और सभी को मालूम है आउटपुट की वैल्यू क्या होती है एंड गेट में। आउटपुट यहां पर होता है तब तक कोई एक जीरो भी जीरो है तो ये आंसर जीरो आएगा, दोनों ही वन है तभी आंसर लॉजिक वन आता है एंड गेट के अंदर। चलिए अब मुझे इसे इंप्लीमेंट किससे करना है? इसे मुझे इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग 2x1 मक्स। अच्छा, 2x1 मक्स में कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट हैं। ओके, कंट्रोल सिग्नल कितने हैं? कंट्रोल सिग्नल है एक। इन द 2x1 मक्स आपके पास कंट्रोल सिग्नल कितना है? एक है। मतलब वेरिएबल हम कंट्रोल सिग्नल पर कोशिश करते हैं कि वेरिएबल कहां रखा जाए? कंट्रोल सिग्नल पर रख दिया जाए। लेकिन हमारे पास एंड गेट के अंदर, अब मेरी बात ध्यान सुना, अगर आपको एंड गेट समझ में आ गया तो आप और, नैंड, नॉर, एक्सओर, एक्सनॉर सारे इंप्लीमेंट कर लोगे। इसलिए ध्यान सुना, दिस इज द फर्स्ट लॉजिक गेट जहां पर वेरिएबल या सेलेक्ट लाइन एक है और वेरिएबल दो है, तो हमें ऑब्वियस है एक वेरिएबल को इनपुट पर फिट करना होगा। अब कैसे करते हैं वो ध्यान दें सब लोग, समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमें मालूम है सेलेक्ट लाइन जो है वही मक्स के अंदर सब कुछ डिसाइड करता है कि जीरो हो गया सेलेक्ट लाइन का वैल्यू तो आई नॉट वाई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट। ओके, जब वन हो गया तो वाई इक्वल टू हो जाएगा आई वन, आई वन पर जो कुछ भी है वो वाई बन जाएगा, इतना हमको मालूम है। अब अगर हम यहां से नोटिस करें, यहां सर देखिए, अब आपको किसी एक वेरिएबल को तो रखनी होगा सेलेक्ट लाइन पर। सपोज दैट मैंने ए को रख लिया, आप चाहे तो बी को रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों वेरिएबल में वही 0001101 का फर्क है। ओके, अब आपने ए को जीरो रखा, तो ए को जीरो रखने पर हमें ये दो पॉसिबिलिटीज मिल गई जिनमें ए इक्वल टू क्या है? जीरो है। अच्छा, मैं जरा मक्स पे जाता हूं तो ए इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? वाई इक्वल टू आई नॉट। वाई पर क्या आ जाएगा? जो आई नॉट है वही वाई पर आ जाएगा। ओके, अब अगर हम यहां से ए इक्वल टू वन रखते हैं, ए इक्वल टू वन की दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, तो वाई पर क्या आएगा? वाई पर वो आएगा जो आई वन पर है, वही वाई बन जाएगा। क्लियर है? अब जरा समझिए, जब हमने ए इक्वल टू जीरो कंसिडर किया तो यहां पर आउटपुट क्या आ रहा है? वाई इक्वल टू, ऑलवेज हमको मिल रहा है वाई इक्वल टू, क्या मिल रहा है? वाई इक्वल टू मिल रहा है जीरो। बात समझ में आई कि नहीं? जब आपने ए इक्वल टू जीरो कंसिडर किया है तो चाहे बी की वैल्यू जीरो हो या वी की वैल्यू वन हो, बाय हमेशा मिल रहा है जीरो।
अच्छा मक्स क्या कहता है, मक्स कहता है इक्वल टू जीरो मतलब आई नॉट, तो आई नॉट पर हमको क्या भेजना चाहिए, जीरो भेज देते हैं क्योंकि आउटपुट वाई पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है जब ए इक्वल टू जीरो है, तो हम आई नॉट सेलेक्ट होगा तो ऑब्वियस आई नॉट पर भेज देंगे जीरो। इतनी बात समझ में आ गई हमको। देखिए अब ए इक्वल टू वन जैसे आप ले रहे हैं तो कौन सेलेक्ट होगा, आई वन सेलेक्ट होगा, यानी कि आई वन पर जो होगा वो वाई बन जाएगा। अब जरा यहां पर देखते हैं आउटपुट क्या बन रहा है। अगर हम देखें इसमें कि a इक्वल टू वन पर जब b जीरो है तो आउटपुट भी जीरो है, जीरो पर जीरो है, और जब ये वन है तो आउटपुट भी वन है। क्या मैं बोल सकता हूं इस कंडीशन में जो आउटपुट है वो कुछ नहीं है, सिंपल b है। दिस कंडीशन जब a इक्वल टू वन है तो आउटपुट इज नथिंग दैट इज b, यानी कि b की वैल्यू अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो है, वन है तो वन है। यानी कि अब हमें क्या करना चाहिए, यहां पर आई वन पर, आई वन पर सेलेक्ट कर लेना चाहिए बी को। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको रियलाइज करना है तो ए एंड बी की पॉसिबल वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं, ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन। अज्यूम कर रहे हैं पॉसिबल वैल्यूज को, चार डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज आपके पास आएंगे, उन चार डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज को पुट कर देना मक्स में, आउटपुट वाई एंड गेट यहां पर ऑप्टेन हो जाएगा। सो मैं ये चीज एज अ होमवर्क आपके लिए रख रहा हूं कि आप सब लोग उसको ट्राई जरूर करेंगे, क्रॉस चेक मतलब जो सर्किट बन गया ना हमारे पास मक्स का, उससे ट्रुथ टेबल कैसे लेके आए वो आप लोग ट्राई करना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉजिक गेट के बारे में, दैट इज ऑर गेट। थर्ड लिख लें ऑर गेट। सो ऑर गेट की ट्रुथ टेबल की अगर बात करते हैं, सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर ऑर गेट। ए बी दो इनपुट्स हैं, आउटपुट वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब इनके रिस्पेक्टिवली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं वाई की वैल्यूज को, तो कोई एक इनपुट भी अगर वन है, ऑर गेट में सभी को मालूम है कोई एक इनपुट भी अगर वन है तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। तो जीरो आने की एक ही कंडीशन है इसके अंदर, जब जीरो जीरो होगा तो यहां पर वन आएगा, यहां पर भी वन आएगा, यहां पर भी वन आएगा। ओके चलिए अब मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है ऑब्वियसली, तो मैंने यहां पर कंसीडर किया, यहां पर मैंने कंसीडर किया एक टू बाय वन मक्स। सपोज दिस इज टू बाय वन मक्स, तो इसमें दो इनपुट्स हैं। अब आप अभी के अभी स्क्रीन को एक बार रोक दें और आप सब लोग ट्राई करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर गेट बाय यूजिंग टू बाय वन मक्स, सब लोग ट्राई करेंगे एक बार। देखिए हमारे पास यहां पर, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब सबका आंसर आ गया होगा। फिलोसफी क्या है, फिर से वही है कॉन्सेप्ट, फिर से वही है। यानी कि अब हमें क्या करना है, यहां पर ए की वैल्यूज कब जीरो है कब वन है ये नोटिस करना है। यानी कि जब ए इक्वल टू जीरो है ओके, उस कंडीशन में वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमें यह समझना है, और जब ए इक्वल टू वन है तो इस कंडीशन वाई की वैल्यू क्या आ रही है वो हमें समझना है। देखो यहां पर अगर आप वेरिएबल इंटरचेंज भी कर दोगे, देखो जैसे मान लीजिए मैंने बी को सेलेक्ट लाइन माना, आपसे कोई पूछे कि बी को सेलेक्ट माने तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बी यहां पर रख दो ए यहां पर रख दो। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। लॉजिक गेट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए को बी कर दें बी को ए कर दें, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। जब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली हम अगर इनको इंटरचेंज भी करेंगे तब भी कहानी बदलने वाली नहीं है। मैंने जस्ट ए मान लिया है, आप बी मान के सॉल्व कर लेना, सेम आंसर आएगा। चलिए अब हमने पहली कंडीशन में मैंने सेलेक्ट लाइन यहां पर ए रख दी है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमें पहली कंडीशन की बात करनी है, तो पहली कंडीशन में आप लोग नोटिस करें जल्दी से और बताएं कि जब हमने ए को जीरो लिया है, यानी कि दो फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन की बात में कर रहा हूं, और b इक्वल टू जीरो है तब आया है y जीरो ओके, जब b इक्वल टू वन है तो आया है y इक्वल टू वन। क्या मैं बोल सकता हूं कि जब हम a इक्वल टू जीरो अज्यूम करते हैं तो y की वैल्यू वही आती है जो b की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या आ रही है वही आ रही है जो b की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई हमको, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आपने a इक्वल टू वन अज्यूम किया, तो a इक्वल टू वन हमने दिया तो वन वन यहां पर है। अब जब b जीरो है तब ये कितना आया, वन आया ओके, और जब b की वैल्यू वन है तब भी ये वन आया, मतलब इसको b की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हमेशा वन रहने वाला है।
मतलब a इक्वल टू जीरो पर कौन सेलेक्ट होगा, आई नॉट सेलेक्ट होगा, तो इस पर हम क्या भेज दें, इस पर b भेज देते हैं। मतलब y पर क्या पहुंचेगा, a इक्वल टू जीरो पर y पर पहुंचेगा b। अब b जीरो है तो जीरो पहुंचेगा, वन है तो वन पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। जब a जीरो है तो y पर क्या पहुंचा, b पहुंचा, b जीरो है तो जीरो, वन है तो वन। अब हमने लिया a इक्वल टू वन, तो a इक्वल टू वन पर अगर आप नोटिस करते हैं तो y पर हमेशा क्या जा रहा है, लॉजिक वन जा रहा है, और जाना भी चाहिए क्योंकि और गेट है ये, और गेट के अंदर कोई एक इनपुट वेरिएबल भी अगर लॉजिक वन होता है तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, लॉजिक वन आता है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीन लॉजिक गेट्स हमने पढ़ ली है, तीनों बेसिक गेट की बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं आगे नैंड नॉर की भी। इसको नोट कर लें आप स्क्रीन रोक कर, सब लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ लॉजिक गेट लिखेंगे, कौन सा कर रहे हैं, नैंड कर, चलिए नैंड गेट, फोर्थ हेडिंग कर रहे हैं हम लोग नैंड गेट। ये ट्रुथ टेबल हो गया इसका, टू इनपुट नैंड दे रहे हैं ऑफ कोर्स, ए बी जीरो 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 वन 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 सॉरी वन जीरो वन वन, ये हो गया। अब इनके फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिख लें। नैंड गेट में क्या करना है, जो एंड गेट है उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट इसमें आएगा, यानी कि एक जीरो होने पर एंड गेट क्या हो जाता है, हमेशा जीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक जीरो होने पर वन। जीरो कब होगा ये, जब दोनों ही क्या हो जाए, लॉजिक वन हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए अब हमें क्या करना है, इसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने यहां पर एक ले लिया टू बाय वन मक्स, दिस इज टू बाय वन मक्स, यानी कि दो इनपुट्स हैं, कौन कौन से, आई नॉट है, आई वन है, और सेलेक्ट लाइन कितने हैं, एक ही सेलेक्ट लाइन है, क्या करें उसको ए पर भेज दें, ए सेलेक्ट लाइन मान लिया ए है। अब हमने इतना इंप्लीमेंटेशन सीख लिया, एंड को मैंने इंप्लीमेंट किया और को किया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नैंड गेट आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे खुद ही। चलिए तो अब जरा आंसर करते हैं इसको, यहां पर ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, जीरो, इन दो कॉम्बिनेशन में जीरो है, इन दो कॉम्बिनेशन में ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू वन है। ओके, अब जब सेलेक्ट लाइन यानी कि ए की वैल्यू जीरो है तो वाई के क्या हाल चाल है, देखो जरा, ये जीरो है तब भी वन है, अच्छा ये वन है तब भी क्या है, ये वन है, मतलब वाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बी की वैल्यू क्या है अगर ए जीरो है तो, मतलब वाई क्या है, हमेशा वन है। तो हम यहां पर ए इक्वल टू जीरो पर कौन सेलेक्ट होता है, अरे कौन सेलेक्ट होता है, आई नॉट सेलेक्ट होता है, तो इस पर क्या भेज देंगे, वन भेज देंगे। क्लियर है सभी को, चलिए अब हम देखते हैं ए इक्वल टू वन, तो ए इक्वल टू वन में हमको मालूम है कि आई वन पहुंच जाएगा आउटपुट वाई पर, तो जब आई वन पहुंचेगा देखें क्या वैल्यू भेज सकते हैं, बी को माना है जीरो तो ये हो गया वन, ओके बहुत बढ़िया, अब वन माना है तो हो गया जीरो। अब यहां पर आपका दिमाग चल रहा होगा बिल्कुल, और जो कि सही भी है, आपने बोला बाई इक्वल टू क्या, मैं बोल सकता हूं बी बार, यानी कि इस कंडीशन में जब ए की वैल्यू वन है तो वाई की एक ही पॉसिबल वैल्यू बन रही है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि जब बी जीरो है तो वाई वन आ रहा है, जब वन है तो जीरो आ रहा है, यानी कि बाई आ रहा है यहां पर बी बार। अब हम यहां से सोच सकते हैं कि बी बार हमको पहले रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है कि नैंड गेट इंप्लीमेंट करिएगा आप टू बाय वन मक्स का यूज करके। अगर मैं उससे पहले क्वेश्चन और आपसे पूछूं कि इंप्लीमेंट और गेट बाय यूजिंग टू बाय वन मक्स, तो आप बोलेंगे कि भाई एक टू बाय वन मक्स आप लेके आओ, और गेट बनके तैयार हो जाएगा। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि एंड गेट को बनाओ टू बाय वन मक्स से, जैसे हमने बनाया भी है अभी यहां पर, तो आप बोल सकते हैं कि एक ही टू बाय वन मक्स सफिशियंट है एंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए। आप मैं आपसे बोलूं कि भाई नॉट गेट को बनाओ टू बाय वन मक्स का यूज करके, तो आप बोलेंगे एक ही टू बाय वन मक्स सफिशियंट है टू इंप्लीमेंट नॉट गेट। ओके, अब अगर बात आती है किसकी, नैंड गेट के इंप्लीमेंटेशन की, तो नैंड गेट में एक वेरिएबल बी बार भी हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो जब हमें बी बार को इंप्लीमेंट करना है देन डेफिनेटली हमारे पास एक और टू बाय वन मक्स होना चाहिए। यहां पर एक टू बाय वन मक्स होगा, ये बी इसकी सेलेक्ट लाइन होगी, ये आई नॉट है, ये इसका आई वन है, ये आई वन है, ओके, और ये आउटपुट वाई होगा जो कि इससे कनेक्ट हो जाएगा।
यानी कि बी जब जीरो है तो आई नॉट सेलेक्ट होगा तो उस पर वन भेज दें, जब ये बी वन है तो आई वन सेलेक्ट होगा तो उसको जीरो भेज दें। तो ये बेसिकली हमने क्या बना लिया यहां पर, ये हमने बना लिया है नॉट गेट। यानी कि आपके पास वेरिएबल ए बी प्रेजेंट है और हमने अब यहां पर एक टू बाय वन मक्स का यूज करके बनाया नॉट गेट, और उसका आउटपुट यानी कि जो बी बार है वो हमने भेजा अदर टू बाय वन मक्स पर, जिससे आउटपुट वाई हमारे पास इंप्लीमेंट होके आ गया। यानी कि आप मुझे अब कोई पूछता है कि नैंड गेट इंप्लीमेंट करने के लिए कितने टू बाय वन मक्स चाहिए, तो आप बोलेंगे दो, अगर हमारे पास वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तो। अगर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है तो आपको एक ही टू बाय वन मक्स से काम चल जाएगा। चलिए अब आप बताएंगे, जरा आंसर करेंगे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉर गेट। फिफ्थ वन हेडिंग कर लेंगे सब, फिफ्थ वन हेडिंग कीजिएगा नॉर गेट। अब नॉर गेट में ट्रुथ टेबल बनाएंगे सबसे पहले, तो हम दो इनपुट्स के लिए ऑब्वियसली ए बी वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। सो नॉर गेट जस्ट अपोजिट टू द ऑर गेट, यानी कि ऑर गेट में हम क्या बोलते थे स्टेटमेंट कि कोई एक इनपुट भी अगर वन हो गया तो आउटपुट हमेशा वन आएगा। यहां पर क्या बोलेंगे आप, कोई एक इनपुट भी अगर वन हो गया तो आउटपुट हमेशा जीरो आएगा। यानी ये वन हो गया तो जीरो, ये वन हो गया तो जीरो, ये वन वन है तो जीरो आएगा। जो हम और गेट में बोलते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर हो जाएगा। यानी कि और गेट में बोलते थे कोई एक इनपुट भी अगर लॉजिक वन है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, लॉजिक वन आएगा। तो हमें यहां पर बोलना चाहिए कोई एक इनपुट भी अगर वन है तो आउटपुट हमेशा जीरो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमने यहां पर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू कंसिडर की, दैट कुड बी वेरिएबल ए। दो इनपुट लाइंस मैंने डिफाइन की, आई नॉट एंड आई वन, आई नॉट आई वन, दिस इज टू बाय वन मक्स एंड आउटपुट इज वाई। ओके चलिए अब आप लोग यहां पर सेलेक्ट करें, जब ए की वैल्यू जीरो है तब यहां पर क्या हो रहा है, और ए की वैल्यू जब वन है तब यहां पर क्या हो रहा है। चलिए आंसर आ गया होगा सबका, सब लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा इसको। देखिए a इज इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू क्या आ रही है, जब b जीरो है तो वन आ रही है, ओके जब वन है तो जीरो। तो क्या बोल सकता हूं मैं, y इक्वल टू क्या आ रहा है यहां पर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आ रहा है, b का कॉम्प्लीमेंट यहां पर जनरेट हो रहा है। क्लियर है इतना। अब हमने देखा कि a इक्वल टू वन हो गया, अब ऑब्वियस है कि नॉर गेट है ये। जब a इक्वल टू वन हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा b की वैल्यू क्या है, आउटपुट हमेशा y इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो a इक्वल टू जीरो पर आ रहा है b बार, यानी कि b जीरो है तो आ रहा है वन, वन है तो आ रहा है जीरो, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आ रहा है, सिंपल। अब हम बोल रहे हैं a इक्वल टू वन है तो आउटपुट क्या आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है जीरो, यानी कि यहां पर आएगा जीरो। इतनी बात समझ में आ गई हमको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट पर। नेक्स्ट लॉजिक गेट की बात करते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ वन के बाद हम लिखेंगे सिक्स्थ, दैट इज सिक्स्थ वन एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट चलिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। दो इनपुट वेरिएबल्स मैंने लिए ए बी, एक आउटपुट लिया वाई, तो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। इसके रिस्पेक्टिवली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसमें, तो आपको मालूम है एक्सॉर गेट के अंदर लॉजिक वन आउटपुट कब आता है, सोचो कब आता है, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी हो, यानी कि जब दोनों इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग हो तो आउटपुट लॉजिक वन आता है एक्सॉर गेट का। तो जीरो जीरो पर क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो वन पर क्या आएगा, वन, वन जीरो पर क्या आएगा, वन, वन वन पर क्या आएगा, जीरो। ओके अब हमें इंप्लीमेंट करना है इसे बाय यूजिंग टू बाय वन मक्स। So, ये मैंने टू बाय वन मक्स लिया यहां पर, वी आर हैविंग आई नॉट आई वन, दो इनपुट्स हैं, एक सेलेक्ट लाइन, चलिए ए को ही मान लेते हैं, सबसे ए को मान रहे हैं हर बार, टू बाय वन मक्स, आउटपुट हो गया वाई। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां पर ए को बी, बी को ए बना सकते हैं क्योंकि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑलवेज। चलिए अब आपने देखा a इक्वल टू जीरो पर क्या हो रहा है, देखें जरा a इक्वल टू जीरो पर क्या हो रहा है, यहां पर a इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू वही आ रही है जो b है,
बी जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, यानी कि ए इक्वल टू जीरो पर बाई आएगा बी। क्लियर है इतना? ओके, अब हमने देखा कि ए की वैल्यू को अब हम क्या करते हैं, वन करते हैं। जो लास्ट दो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ए इक्वल टू वन के हैं। अब ए इक्वल टू वन पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बोलेंगे कि ए इक्वल टू वन पर बी जीरो है तो वाई वन आ गया, वन है तो जीरो आ गया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पर वाई आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि आएगा बी बार। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हमें यहां से वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप चाहें तो किसी भी टू बाय वन मक्स के लिए उस पर्टिकुलर लॉजिक गेट को आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो मैं ये चीज आपके लिए एज अ होमवर्क रख रहा हूं कि आप सब लोग इन टू बाय वन मक्स के जितने भी सर्किट्स मैंने बनाए हैं यहां पर, इन सभी सर्किट्स के लिए एक बार आप उनके ट्रुथ टेबल को इंप्लीमेंट करके जरूर देखें। क्या करना है, ए बी की पॉसिबल वैल्यूज ले लीजिए, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, पुट करते जाएंगे तो ये वाई का आउटपुट जो है वो उस पर्टिकुलर लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल को इंप्लीमेंट करके दे देगा। अगर नहीं दे रहा है विच मीन्स यू मेड सम मिस्टेक, क्योंकि मैंने कोई गलती यहां पर नहीं की है, कोशिश की है नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉजिक गेट की बात कर लेते हैं, एक्सनोर गेट, सेवंथ वन लॉजिक गेट, सेवंथ लिखें एक्सनोर गेट, एक्सनोर गेट। ट्रुथ टेबल अगर बनाए हम इस तरह से, ए बी वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, अब इसमें मालूम है एक्सोर गेट में मैंने क्या बोला, ए इज नॉट इक्वल टू बी आउटपुट इज वन, ए इज इक्वल टू बी आउटपुट इज जीरो। यहां पर मुझे बोलना है ए इज इक्वल टू बी आउटपुट इज वन, ए इज नॉट इक्वल टू बी आउटपुट इज जीरो, यानी कि वन जीरो जीरो वन। चलिए इसको टू बाय वन मक्स इंप्लीमेंट करना है हमें, लेट सी। ये मैंने कंसिडर किया एक टू बाय वन मक्स जिसमें दो इनपुट्स हैं ऑब्वियसली, आई नॉट आई वन और एक सेलेक्ट लाइन है, ए को मैंने फिर से सेलेक्ट लाइन मान लिया यहां पर, आउटपुट है वाई। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए ए इज इक्वल टू जीरो जब है, ए की वैल्यू क्या है जीरो है, तो देखते हैं वाई के क्या हालचाल है। देखो जरा, ए जीरो है तो बी जीरो होने पर आउटपुट वन हो गया है और बी वन होने पर आउटपुट जीरो हो गया है। ओ माई गॉड, ये तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना? अब हमने देखा ए इज इक्वल टू वन पर क्या सिनेरियो बन रहा है, देखें जरा, बी की वैल्यू जीरो पर जीरो है और वन पर कितनी है, वन है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से कि ए इक्वल टू वन जब है तो वाई वही है जो बी है। समझ रहे हो, बी बी बार, बी बार बी, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ऑफकोर्स वैल्यू हैज टू बी गेट स्विच्ड। क्लियर है? अभी हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, यानी कि सेवन जो लॉजिक गेट्स हमारे हैं उन सभी को हमने इंप्लीमेंट किया बाय यूजिंग टू बाय वन मक्स। अब अगर हमको ये इंप्लीमेंट समझ में आया है तो एक क्वेश्चन का आंसर देना है। लिखें क्वेश्चन,